नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकेश रस्तोगी और इस वक्त मैं बैठा हूँ बीटी यूपी के सचिव मिस्टर अजीत कुमार मिश्रा जी के पास। आजकल जो यूपी में बीटी यूपी के छात्र हैं उनका रिजल्ट को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था और धरना प्रदर्शन में कई जिलों में जो छात्र पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त बीटी यूपी के सचिव सर बैठे हैं, जानेंगे क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक तो इस बोर्ड के हालात जो है बेहद खराब थे और जगह जगह इस बोर्ड को लड़के मुद्दे की बात को उठाने के लिए बात कर रहे थे। लोगों ने, बच्चों ने बोर्ड के मंत्री आशीष पटेल जी से भी बात की और रिजल्ट को लेकर और कई स्तर पे माननीय मंत्रियों के पास गए, लेकिन हमारे सचिव सर बैठे हैं इस वक्त अजीत सर, मैं बात कर लूंगा और जानूंगा चूंकि सर तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, चूंकि खबरों में मैं प्रकाशित करते रहता हूं लगातार, सर से बात करूंगा। सर, बच्चों का कहना है कि सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता है और उनके पेपर करवा दिए जाते हैं, उसके बाद जो बच्चों का आरोप रहता है कि बच्चों को बैक लग जाता है, क्या कहेंगे सर इस पर? सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, इस बात को तो हम नहीं मानेंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम एग्जामिनेशन कराते हैं तो हर कॉलेज से एक प्रिंसिपल या डायरेक्टर से सर्टिफिकेट लेते हैं और प्रिंसिपल जो है चाहे गवर्नमेंट के हों, एडेड के हों, प्राइवेट संस्थान के हों, हमें सर्टिफिकेट देते हैं बोर्ड को कि हमारे संस्थान में सभी ब्रांचेस के सभी बच्चों के सिलेबस कंप्लीट कर लिए गए हैं। जी, और हमारा जो रूटीन होता है ये जैसे 180 डेज फार्मेसी के लिए वर्किंग आवर्स होता है, 150 डेज का होता है और इंजीनियरिंग के लिए पर सेमेस्टर 90 डेज का, तो वो वर्किंग आवर्स हमारे पूरे कराने का वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो जब उनका सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है कि उनका सिलेबस पूरा हो गया तभी हम एग्जामिनेशन करवाते हैं, शेड्यूल हम जारी कर देते हैं, लेकिन उस शेड्यूल के हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट तभी करवाते हैं जब सिलेबस कंप्लीशन की हमें सर्टिफिकेट जारी हो जाती है संस्थान की तरफ से। अच्छा सर, कुछ बच्चों का कहना है कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल्स हैं उसमें टीचर टाइम पे नहीं आते हैं और सर उनका जो एजुकेशन लेवल रहता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिससे छात्र शिक्षा को ठीक रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सर क्या कहेंगे इस पे? अभी तक कोई आपने बोर्ड में ऐसी कोई कार्रवाई की कि टीचरों को एक सजेशन मिल सके? ऐसे अगर जिस तरह से बच्चे आरोप लगाते हैं कि विद्यालय में टीचर नहीं आते समय पर, सर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इस पर गवर्नमेंट ने इसकी मॉनिटरिंग की है और वर्तमान सरकार ने एक सिस्टम बनाया है कि सभी टीचर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी मस्ट है। हमारे ऑफिस में मुझे भी लगानी होती है। अच्छा, तो 10 बजे से अगर आपका ऑफिसर शाम 5 बजे तक का है या कोई कॉलेज है तो उसके पहले ही आपकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक हो जानी है, जो आधार बेस्ड है, यानी आपकी लोकेशन भी ट्रेस होगी आप कहाँ हैं। अच्छा, और वापस जाते समय भी 5 बजे के बाद आपको अटेंडेंस लगानी है। तो ये शिकायत कि टीचर्स या प्रिंसिपल समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, ये नहीं बात हम मानते, क्योंकि इसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है और निदेशालय हमारा जो कानपुर में उसके स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग भी होती है जी। और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन हैं कि अगर कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल या डायरेक्टर टाइम से नहीं आ रहे हैं, नहीं अपना काम करें, तो उनका सैलरी ना निकाला जाए, तो टाइम से आना तो मस्ट है। अच्छा सर, मैं आखिरी बात करूंगा कि सर जब से आप इस बोर्ड में आए हैं तो मैंने देखा है, छात्रों ने देखा है कि सर बोर्ड की जो प्रक्रियाएं थी, जो रूल्स थे, उनको आपने काफी बेहद हद तक सुधार किया है। सर, चूंकि एक एक यू एक ऐसा बोर्ड है जहां पे बच्चों को कॉपियां दिखाने के लिए 2500 रुपए भी लिए जाते हैं और शायद मुझे लगता है कि बीटी यूपी के रीचेक की भी फीस उससे अत्यधिक है। सर, रीचेक की फीस में आपने जो बदलाव किया, 500 रुपए जो शुल्क था रीचेक का निर्धारित था उसको आपने 250 रुपए कर दिया और बच्चों की जो कॉपियां ऑनलाइन थी, जैसे सर कुछ बच्चों का आरोप था कि हमने लिखा है लेकिन उसमें जो है हमारे बोर्ड के द्वारा जबरन पैसा वसूलने के लिए जो है सर बैग लगा दिया गया है, तो इसके लिए सर आपने जो प्रावधान निकाला कॉपियां दिखाने का, सर उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, क्योंकि बच्चे अपने रिजल्ट से जो सेटिस्फाइड नहीं थे विभिन्न जनपदों में, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया बोर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने डिजिटल रेजोल्यूशन कराया था तो बच्चों को इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी कि इस बार जो रेजोल्यूशन हुआ है बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत सही हुआ है जी। तो जब प्रोटेस्ट लोगों ने स्टार्ट किया तो माननीय मंत्री प्राथमिक शिक्षा और हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक बैठक में यह आदेश किया कि सभी बच्चों को कॉपीज दिखा दी जाए ताकि बच्चों की ये शिकायत दूर हो जाए कि हमारी कॉपीज को टीचर्स ने ठीक से वैल्यूएट नहीं की। तो AKTU जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो प्रति विषय 2500 रुपये का शुल्क इसके लिए लेती है, लेकिन हमारे पॉलिटेक्निक में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उतने अच्छे बैकग्राउंड के नहीं होते हैं कि इतनी फीस अफोर्ड कर सकें जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिखाएं, तो हमने 4 दिन का समय दिया, बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लगभग 1 लाख
बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और 4 दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद अगले 4 दिनों तक उन बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज दिखाई, बच्चों ने खुद अपनी कॉपीज देखी, तो उनकी ये शिकायत दूर हो गई कि हमारी कॉपीज को वैल्यू नहीं किया। इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं है तो हमने रिवैल्यूएशन का डेट भी 10 दिन बढ़ा दिया था और 30 अक्टूबर तक हमने जो है उनसे मांगा था कि आप रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म डालें। वर्तमान में हमारा रिवैल्यूएशन चल रहा है और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट हम नवंबर 1 वीक को हम डिलीवर कर देंगे। और बच्चे मुझे लगता है कि जिनके मन में भी थोड़ी बहुत शंका रही होगी या डिससेटिस्फेक्शन रहा होगा, निश्चित तौर पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ, ये प्रयास हम जरूर कर रहे हैं कि अगली बार से जो भी बच्चा एग्जाम दे उसके मन में ये होना चाहिए कि जब हम पढ़ेंगे तभी पास होंगे, कॉपी भरने से कोई बच्चा पास नहीं होगा। टू द पॉइंट और सही आंसर लिखेगा तो उसने अगर 2-4 लाइन भी लिखा होगा तो स्टेप मार्किंग से उसको मार्क्स मिलेंगे, कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये अब टीचर भी समझ गए हैं और बच्चा को भी समझना ही पड़ेगा, जो पढ़ेगा पास होगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पास। तो ये थे हमारे साथ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सचिव अजीत कुमार मिश्रा। तो ये बच्चों के हित के लिए लगातार जानकारी देते रहते हैं और छात्रों के हित के लिए लगातार इन्होंने बोर्ड परिसर के सुधार भी कार्य किए हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो तकरीबन 20 से 30 साल बोर्ड के पीछे पेंडिंग पड़ा हुआ था और छात्रों का लगातार इस तरीके का आरोप हो रहा था। तो कैमरामैन हाफिज कार्ड के साथ मुकेश रस्तोगी की खास रिपोर्ट।